हेलो व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हसन और आप देख रहे हैं फोकस ऑफ यूट्यूब चैनल। हम HTML वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 25 की बोर्ड स्टेप 4 की सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लास्ट टाइम हमने ये देखा कि बोर्ड स्टेप 4 को कैसे ग्रिड लेआउट सिस्टम के तहत यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारी बोर्ड स्टेप ग्रिड लेआउट सिस्टम के अंदर ऑर्डरिंग क्या होती है, आप अपनी क्लास को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कॉलम्स को ऑर्डर करने के लिए। तो उसके लिए जो हमारी क्लास यूज़ होती है उसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर क्लास होती है जो कि विजुअल ऑर्डर को अपने कंटेंट को अरेंज करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो समझने के लिए ये है कि कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो आप अनऑर्डर रखना चाहते हैं और कुछ ऐसे कंटेंट जिनको आप ऑर्डर करना चाहते हैं। व्हेन स्क्रीन शिफ्ट्स, जब ब्रेक पॉइंट्स आते हैं तो आप चाहते हैं कि ये कॉलम में फर्स्ट नंबर पे आ जाए या ये कॉलम में फोर्थ नंबर पे आ जाए, तो फिर उसको ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले करना पड़ता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर की क्लास। तो व्यूअर्स, इसको देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्रिड नज़र आ रहा है जिसमें तीन कॉलम्स हैं। उन तीन कॉलम्स में हमने पहली क्लास जो सेट की है उसको हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया पहले कॉलम के लिए, और जो दूसरे कॉलम के लिए उसको हमने ऑर्डर 12 दिया है, और तीसरे कॉलम को जो है वो हमने ऑर्डर 1 दिया है। तो लेकिन पहले कॉलम का जो कंटेंट है ये फर्स्ट कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है बट ये अनऑर्डर्ड है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। सेकंड कॉलम में हमने जो उसको ऑर्डर नंबर दिया है वो 12 नंबर दिया है, और थर्ड कॉलम को हमने फर्स्ट ऑर्डर दिया। आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पास ये कोड नज़र आ रहा है। हमने एक रो बनाई और उसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम सेट किए, और इसके अंदर हमने इनको ऑर्डर भी दे दिया है। पहले वाले को कोई ऑर्डर क्लास नहीं दी, दूसरे वाले को हमने ऑर्डर 12 और तीसरे वाले को ऑर्डर 1 की क्लास दे दी। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकंड क्लास जो कि सेकंड नंबर पर डिवीजन थी बट उसका ऑर्डर 12 पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि वो उसका सेकंड है बट उसका ऑर्डर जो है वो 12 पॉइंट पे आ रहा है, यानी लास्ट। और इसी तरह इसको ऑर्डर हमने 1 सेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इसकी ऑर्डर्ड कैटेगरी के अंदर इसका फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, तो इस वजह से इसका जो डिस्प्ले है यानी कॉन्टेंट का डिस्प्ले है ये फर्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी कुछ एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस कर लेते हैं कि हमने एक और क्लास बनाई और उसको हमने फोर्थ कॉलम दे दिया। अब हम बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको थर्ड ऑर्डर दे दें। तो जैसे हम थर्ड ऑर्डर देंगे तो आप ये देखें कि ये फोर्थ है बट थर्ड थर्ड ऑर्डर। तो आप ये देख लेंगे कॉलम फोर्थ है बट ऑर्डर उसका थर्ड है, मतलब पहले फर्स्ट ऑर्डर आएगा, फिर सेकंड अगर है तो आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, और फिर उसके बाद 12। तो बूटस्ट्रैप की प्रीवियस वर्जन्स में ऑर्डर की ऑप्शन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये होता था कि अगर आपने कॉलम तरतीब से लिख दिए हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा या चौथा कॉलम, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के साथ डिस्प्ले हो जाता था। बट इसके अंदर अब ऑप्शन ये आ गई है बूटस्ट्रैप 4 के अंदर कि आप जो भी ऑर्डर दें उसके मुताबिक वो ग्रिड जो है वो रीअरेंज होगी और ऑर्डर वाइज आपका जो कॉन्टेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हम किस तरह से मार्जिन करते हैं अपने बूटस्ट्रैप के कॉलम्स को। मार्जिन को समझने के लिए मैं आपको अभी कोड स्निपेट दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप ग्रिड लेआउट सिस्टम में उसको हम कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या है इसको समझने के लिए मैं अभी यहाँ पर एक कपल ऑफ कुछ रोज ऐड करने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने तीन रोज ऐड की और हर रो में दो दो कॉलम्स ऐड कर दिए। फर्स्ट रो में दो कॉलम्स, सेकंड रो में भी दो कॉलम्स ये वाले, और थर्ड रो में एक कॉलम। फर्स्ट रो में अगर आप देखें कि हमने इस वक्त दो कॉलम बनाए हैं,
पहला कॉलम 4 बिट्स का है और दूसरा कॉलम भी 4 बिट्स का है, बट हम उसको ऑफसेट करना चाह रहे हैं 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो इससे क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, मैं बाकी इस वक्त ग्रिड्स निकाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास 3 रोज हैं। इन 3 रोज में हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं, बट इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि सेकंड कॉलम जो है वो ऑफसेट हुआ हुआ है 4 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर। चलिए मैं इसको 1 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको 1 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर किया, तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिट छोड़कर एक हमारा एक और कॉलम है जो कि ऑफसेट हो गया। ऑफसेट का मतलब बेसिकली आप अपने कॉलम्स को इंडेंट करते हैं ऑफसेट के थ्रू। तो ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम किस स्क्रीन के लिए ऑफसेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो कि 5 स्क्रीन हैं, आप अगर मीडियम स्क्रीन के लिए ऑफसेट करना चाह रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, MD1। तो अगर आप स्मॉल स्क्रीन के लिए ऑफसेट करना चाह रहे हैं बट मीडियम के लिए नहीं करना चाह रहे, तो आप SM1 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये मार्बल, चलिए मैं इसको एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कर देता हूँ, स्क्रीन का साइज जी। आप नोट्स कर सकते हैं कि इस वक्त मीडियम के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए जो है वो ऑफसेट हुआ हुआ है 1 यूनिट, बट हमारी जो स्क्रीन है वो गालबन स्मॉल स्क्रीन है, तो स्मॉल स्क्रीन के लिए इस वक्त ऑफसेट अप्लाई नहीं हुआ। यानी इसको मीडिया क्यूरीज कहते हैं। मीडिया क्यूरीज के थ्रू ये स्क्रीन ये डिसाइड करती है कि आइदर आपकी जो इस वक्त जो डिस्प्ले है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। अगर वो डिस्प्ले MD में फॉल कर रही है या SM में फॉल कर रही है तो वो ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई हो जाते हैं, और अगर एक्सेस में फॉल कर रही है तो जब ये डिस्प्ले एक्सेस स्मॉल स्क्रीन के लिए होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए होगा, तो तब जाके ये डिस्प्ले जो है वो ब्रेक पॉइंट एक्टिव होगा। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने कोड की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेक्स्ट रो में देखें तो हमारे पास मीडियम स्क्रीन के लिए ऑफसेट जो है हुआ हुआ है, दूसरा कॉलम वो 3 डिस्टेंस के ऊपर हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम ही ऑफसेट हो गया है 3 डिस्टेंस के ऊपर, तो इसको मैं थोड़ा पीछे भी ला सकता हूँ। पॉसिबल इसको मैं 1 यूनिट के ऊपर ऑफसेट करना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मीडियम स्क्रीन के लिए 1 यूनिट के ऊपर ऑफसेट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ऑफसेट की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं बूटस्ट्रैप से रिलेटेड इस लेक्चर में, एक तो हमने देखा कि हम किस तरीके से ऑर्डरिंग करते हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने कॉलम्स को ऑफसेट करते हैं, इंडेंट करते हैं अपने पहले कॉलम के मुकाबले में। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए, कि अगर आप बहुत सारी स्क्रीन्स को एट ए टाइम मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आप एक जहन में इस तरह से उसका लेआउट बनाएं कि बड़ी स्क्रीन्स के लिए वो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, छोटी स्क्रीन के लिए मॉकअप्स यानी डिज़ाइन करके रखें, और उन मॉकअप्स के मुताबिक यहाँ पर आपने इस तरह से मल्टीपल क्लासेस देनी है, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस दी गई हैं। एक क्लास के अंदर आप बहुत सारी क्लासेस दे सकते हैं अगर आप मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉल MD3 की जगह मैं इस तरह लिख दूँ कॉल Access 6, तो इट्स मीन कि ये भी अप्लाई हो जाएगा बट फॉर स्मॉल स्क्रीन्स। तो बेहतर ये है कि अगर आप एक लेआउट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप तमाम स्क्रीन्स के लिए अपने मॉकअप्स जो हैं वो कॉपी पेंसिल के ऊपर ड्रा कर लें, और उसके बाद उसके मुताबिक आप इन स्क्रीन्स को आप डिज़ाइन करें बाय अप्लाइंग मल्टीपल क्लासेस ऑन सेम डिव्स। आज के लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि हम कॉलम्स को किस तरह से अरेंज करते हैं यूजिंग मार्जिन यूटिलिटीज। मार्जिन यूटिलिटीज क्या होती हैं, ये भी आपको एक कोड की एग्जीक्यूशन से आपको समझ आ जाएगी। अगर आप अपने ग्रिड लेआउट सिस्टम के अंदर अपनी डिव्स को मार्जिनाइज करना चाह रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर MR और ML की क्लासेस इंट्रोड्यूस हो गई हैं। ये बेसिकली जो है वो अपनी मार्जिन यूटिलिटीज़ के थ्रू आप अपनी स्क्रीन्स को ऑटोमेटिक या किसी ख़ास डिव्स की बेस के ऊपर आप मार्जिनाइज कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। डेल क्लास और यहाँ मैं एक प्रो क्लास प्लेस करता हूँ।
व्यूवर्स, यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त तीन रोज हैं, पहली रो में दो कॉलम्स हैं और अगली रो में भी दो कॉलम्स हैं और तीसरी रो में भी दो कॉलम्स हैं। पहली रो में जो पहला कॉलम है उसको हमने ऑटोमेटिक मार्जिनाइज किया और उसके लिए हमने ये कहा कि अगर ये दो कॉलम्स हैं तो उनको उसके मुताबिक अरेंज कर दें। तो इसके लिए जो हमने क्लास यूज़ की है वो एम एल ऑटो की है। एम एल ऑटो से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि कॉल एम डी फोर और कॉल एम डी फोर एम एल ऑटो, उसने क्या किया कि स्क्रीन को फोर कैटेगरी में मतलब फोर फोर की थ्री यूनिट्स को उस तरह से अरेंज किया कि ये ऑटोमेटिकली जो सेकंड कॉलम है वो मार्जिनाइज्ड हो गया। इस तरह अगर आप दूसरे कॉलम में देखें कि जितनी भी इसको स्पेस मिल रही है मार्जिन देने की, अगर हम कॉल एम डी थ्री कर रहे हैं, कॉल एम डी थ्री की दो क्लासेस बना रहे हैं, तो पहली क्लास को हमने एम डी लेवल पे मार्जिनाइज किया तो उसने तीन यूनिट की स्क्रीन ऑटोमेटिक तीन यूनिट की स्क्रीन साइज़ के मुताबिक जगह छोड़ दी, और इस तरह दूसरे कॉलम्स के लिए भी उसने तीन यूनिट्स के लिए जगह छोड़ दी। इसी तरह अगर हम मार्जिनाइज ऑटो करते हैं और हमारे पास ये हमें नहीं पता कि कितने डिस्टेंस के ऊपर आपने करनी है, थ्री यूनिट करनी है या ऑटोमेटिक करनी है, तो फिर आपको एम आर ऑटो जो है वो उसकी क्लास आपको देनी पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि थर्ड रो के अंदर कॉल डैश ऑटो की क्लास यूज़ हुई, जिससे उसने उसको ऑटोमेटिकली दो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अरेंज कर दिया। तो मार्जिन देने के लिए आपके पास दो तरीके कार मौजूद हैं, एक ऑफसेट और दूसरा ML या MR की क्लास। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें, बाय।